नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए मैं आपको कराती हूँ आज टनल डायोड। ठीक है, आई होप ये टॉपिक्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, पर आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई फीडबैक नहीं लिखते हैं तो मुझे पता नहीं चलता दैट आर यू रियली इंजॉइंग और नॉट। सी, देखिए ये है आपका टनल डायोड। टनल डायोड के बारे में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसाकी डायोड भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इसाकी डायोड। चलिए पढ़ते हैं। टनल डायोड को आप टी डी से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी शॉर्ट वाइज। ठीक है, टनल डायोड इज अ स्पेशली मेड ऑफ पीएन जंक्शन डिवाइस विच एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस ओवर पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड बायस कैपेसिटर। देखिए टनल डायोड जो होता है, मेनली हम इसको यही बोलेंगे कि इसका जो सिंबल है, नीचे सिंबल बना भी हुआ है, इसका जो सिंबल होता है इट इज लाइक दिस ओनली। ओके, दिस इज योर एनोड एंड दिस इज योर कैथोड, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, सो इसमें ये क्या इसने बोला है कि ये एक पीएन जंक्शन डिवाइस ही होता है जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है ओवर सम पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड बायस कैसा होता है एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन का? आई वर्सेस वी का फॉरवर्ड बायस ऐसा होता है ना, तो इस फॉरवर्ड बायस तक इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। इट इज एक्सट्रीमली हैवी डूपिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन एंड एन एब्रप्ट ट्रांजिशन फ्रॉम द पी साइड टू द एन साइड। द टनलिंग इफेक्ट इज मेजोरिटी कैरियर इफेक्ट एंड इज कंसिक्वेंटली वेरी फास्ट। देखिए इट इज़ अ हैवली डूब्ड पी एन जंक्शन डायोड इन विच क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ये डिक्रीज करती है एज द वोल्टेज इंक्रीजेस। इसी को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इन इट जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट होती है इट इज कॉज्ड बाय टनलिंग फिनोमेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। टनलिंग इफेक्ट के कारण ही इस टनल डायोड में करंट फ्लो करती है। ठीक है, इट इज यूज एज अ वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस इन कंप्यूटर्स। ये बहुत फास्ट होता है और ये मेजॉरिटी कैरियर इफेक्ट होता है इसमें। एंड ये मेनली आपका हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स एंड एम्पलीफायर्स में यूज होता है, याद रहिए रखिएगा। इसका एक एब्रप्ट ट्रांजिशन होता है। एब्रप्ट मतलब शार्प, जिसे कहते हैं ना एब्रप्ट ट्रांजिशन, मतलब कि बिल्कुल पी टू एन से एकदम से इसमें ट्रांजिशन होता है, चेंज होता है। थर्ड पॉइंट है कि इनफैक्ट टनल डायोड इज डूब्ड अप्रॉक्सीमेटली 1000 टाइम्स एज हैवीली एज अ कन्वेंशनल डायोड। द हैवी डूपिंग रिजल्ट्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। क्योंकि ये टनल डायोड की डूपिंग एक कन्वेंशनल जो एक अब तक डायोड चल नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड की कंपेरिजन में ये 1000 टाइम्स ज्यादा हैवीली डूब्ड होता है। क्योंकि डूपिंग का मतलब क्या होता है कि हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू ऐड द इम्प्योरिटीज। हम इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, उसी को हम कहते हैं डूपिंग। जब जितनी ज्यादा हम इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे उतने उसमें क्या होंगे, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। कंडक्टिविटी इज रिलेटेड टू द करंट, है ना। तो ये जो हैवी डूपिंग होती है इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, इन कंपेरिजन विद द कन्वेंशनल डायोड द डिप्लीशन लेयर ऑफ ए टनल डायोड इज 100 टाइम्स नैरोअर। कन्वेंशनल डायोड के कंपैरिजन में टनल डायोड की, क्योंकि डूपिंग जिसकी ज्यादा होगी, याद रखिएगा जिसकी डूपिंग ज्यादा होगी, द मोर द डूपिंग इज द नैरोअर विल बी द डिप्लीशन रीजन। जितनी उतनी नैरोअर उतनी थिन डिप्लीशन रीजन होती है। द ऑप तो डिप्लीशन रेट टनल डायोड की नैरोअर होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नैरोअर होती है, पतली होती है, 100 टाइम्स नैरोअर होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The operation of a tunnel diode depends upon the tunneling effect. Very important point. And hence the name tunnel diode. Tunneling effect किसको बोलते हैं? देखिए, tunneling effect is the phenomena in which the value of the forward current is low. जिसमें forward current, sorry, value of the forward voltage is low and value of forward current generated will be high. ये tunneling current का process होता है. ठीक है. अब हम ये भी कह सकते हैं कि एक आपने अभी पढ़ा कि नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस में तो करंट रिड्यूस होती है एज द वोल्टेज इंक्रीजेस। इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग पावर, नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस पावर। पावर को ये प्रोड्यूस करने का काम करता है, इट प्रोड्यूसेस पावर। टनलिंग इफेक्ट कब होता है? टनलिंग करंट अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ बैरियर। आपको पता होगा कि पीएन जंक्शन होता है ना, जैसे ये दिस इज योर पीएन जंक्शन, राइट। ये पीएन जंक्शन होता है, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, यहाँ पे आपका डिप्लीशन लेयर बनता है, नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस एंड पॉजिटिव
डोनर आयंस, यही होता है ना, दिस इज योर डिप्लीशन रीजन, ठीक है, इसको हम विड्थ भी बोलेंगे। तो इसमें आप ये देखिए कि टनलिंग करंट अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ बैरियर दैट दे शुड नॉट बी एबल टू मूव थ्रू। इस बैरियर को ही हम डिप्लीशन रीजन बुलाते हैं। बैरियर मतलब एक रुकावट होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि टू जब डिफ्यूजन होता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप एंड होल्स फ्लो फ्रॉम पी टू एन टाइप टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड होल्स फ्रॉम पी टाइप सेमीकंडक्टर डिप्लीशन रीजन एक्ट्स एज अ बैरियर। ये जो डिप्लीशन रीजन है ये इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिकॉज इट स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन, इट स्टॉप्स द फ्लो, इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी एंड होल्स फ्रॉम पी टू एन। तो यही डिप्लीशन रीजन जो है ये एक बैरियर का काम करता है, ठीक है। तो वाइड और बिग डिप्लीशन रीजन कहाँ बनता है? वाइड एंड बिग डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म्ड व्हेन अ लेस नंबर ऑफ इंप्योरिटीज आर एडेड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब मोर नंबर ऑफ इंप्योरिटीज ऐड होती है, हाई डोपिंग का मतलब क्या है कि आपने बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज ऐड कर दी है, तो जब वेरी हाई नंबर ऑफ इंप्योरिटीज आर एडेड तो इसमें नैरो डिप्लीशन रीजन बनती है। दैट मींस यहाँ पे आपकी जो डिप्लीशन विड्थ होती है, नैरो डिप्लीशन रीजन बनती है, दैट मींस जो डिप्लीशन विड्थ होती है आपकी वो नैरोवर होती है, यानी कि रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हैवली डोप्ड ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ इंप्योरिटीज, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। टनल डायोड की नैरो डिप्लीशन विड्थ होती है देन द नॉर्मल पीएन जंक्शन, और जब इसमें एक स्मॉल फॉर एक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इट प्रोड्यूसेस इनफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो टनल डायोड है, द टनल डायोड में इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम एन टू पी और पी टू एन टाइप दिस डिप्लीशन रीजन एक्ट्स एज अ बैरियर एंड दिस द Thus the tunneling current occurs when electrons move through the barrier. जब electrons barrier के through move करेंगे तभी tunneling current flow करेगी। तो ये barrier की तरफ तभी pass करेंगे जब आपका barrier की width बहुत कम होगी, अगर ज्यादा होगी तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हम आगे discuss करेंगे। कहने का मतलब यही है कि carriers जो होते हैं they punch through the junction। अब हम आगे पढ़ेंगे। It is also called as Isaaki diode, named after Leo Isaaki, who in 1973 received a Nobel Prize in Physics for discovering the electron tunneling effect. Tunneling effect is the penetration of the electrons through the narrow depletion region. याद रखिए, electrons कैसे भेदते हैं? बहुत ही कम से कम पतली सी depletion region की width तक पहुंचने के लिए, in order to have the flow of current possible. ठीक है, तो उसको हम टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि आप कहते हैं इसको पंच थ्रू इफेक्ट भी बोलते हैं। दिस इज ओनली द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द नैरो डिप्लीशन रीजन लेयर, ठीक है। तो ये इसका सर्किट सिंबल था। अब हम चलते हैं इसमें टनलिंग इफेक्ट के बारे में। देखिए, द डोपिंग ऑफ बोथ पी एंड एन टाइप रीजन्स ऑफ द टनल डायोड इज वेरी हाई, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कितना होता है ये पढ़ते हैं। इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 19 टू 10 टू द पावर 20 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब आर यूज। इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन कितना यूज होता है? इतना, ठीक है। 10 टू द पावर 19 टू 10 टू द पावर 20 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब के अमाउंट से हम इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन ऐड करते हैं। एंड डिप्लीशन लेयर बैरियर एट द जंक्शन इज वेरी थिन। जंक्शन पे डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है, दैट मींस जो मैंने आपको बताया था, ये बहुत नैरोवर होती है, क्योंकि डूपिंग कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर। आप ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो डिप्लीशन विड्थ होती है 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर होती है, जो कि वेरी थिन है और नैरोवर है, ठीक है। This causes many valence electrons to have their energy levels raised closer to the conduction region. इसकी वजह से जितने भी valence electrons होते हैं, उनके जो energy levels होते हैं, conduction region के energy levels के nearly equivalent होते हैं। मतलब आप कह सकते हो जो इसका energy level होगा, it will be equal to the conduction band region. Therefore, it takes only very small applied forward voltage. क्योंकि energy level near about दोनों bands के equal होते हैं, तो बहुत ही माइन्यूट फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई की जाती है इन ऑर्डर टू कॉज दी कंडक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज से ही कंडक्शन पॉसिबल है ना, रिवर्स वोल्टेज से तो नहीं पॉसिबल है। द मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस एनर्जी बैंड टू द कंडक्शन बैंड विद लिटिल और नो अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज इज कॉल्ड टनलिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
टनलिंग किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेनिट्रेटेड थ्रू द नैरोअर डिप्लीशन रीजन लेयर विड्थ इज नोन एज टनलिंग इफेक्ट विच मेक्स पॉसिबल द फ्लो ऑफ करंट। तो यानी कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक होती है, जहां पे हम कोई भी फॉरवर्ड वोल्टेज नहीं लगाते, उसको टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीम टू टनल थ्रू द फॉरबिडन एनर्जी बैंड, ठीक है, ये अगर आप देखें, सो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द टनल डायोड। टनल डायोड यही था ना आपका, दिस इज योर टनल डायोड, एनोड प्लस कैथोड माइनस, ठीक है, यानी कि ये पी है ये एन है, पर इसकी डोपिंग बहुत ज्यादा होती है। तो आप देखिए ये पी पी का है कंडक्शन बैंड और ये एन का है कंडक्शन बैंड। नियर अबाउट ये वैलेंस बैंड है पी का, ये वैलेंस बैंड, यहाँ पे वैलेंस बैंड है कंडक्शन बैंड का, ठीक है। अब आप इसमें देखिए क्या कह रहा है ये कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड, फॉरबिडन एनर्जी बैंड क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, उसको फॉरबिडन एनर्जी बैंड या एनर्जी गैप बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसी एनर्जी बैंड के माध्यम से ही टनलिंग करता है, ये जो इन दोनों के बीच में जैसे अगर देखें या इन दोनों के बीच में जो देखें, यही ईजी होता है ना। अब आप देखिए द नेगेटिव रेजिस्टेंस इन टनल डायोड इज क्रिएटेड बाय द टनल इफेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ दिस नेगेटिव रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड बाय द टनलिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पीएन जंक्शन। ये डीआरडीओ में पूछा जाता है, दिस इज डीजनरेट सेमीकंडक्टर। क्यों है डीजनरेट? इन विच बिकॉज ऑफ हाई डोपिंग लेवल फर्मी लेवल लाइज इन द कंडक्शन बैंड। देखिए डीजनरेट में क्या होता है कि दोनों जो आपके ये फर्मी लेवल्स हैं, जो पी टाइप के भी हैं और जो एन टाइप के भी हैं फर्मी लेवल्स, दे बोथ लाई इन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ही लाई करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, डीजनरेट बिकॉज ऑफ हाई डोपिंग लेवल, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डोपिंग डालने की वजह से जो फर्मी लेवल है ये कंडक्शन बैंड के अंदर ही लाई कर रहा है। देखिए ये फर्मी लेवल इस कंडक्शन बैंड के अंदर ही लाई कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डीजनरेट सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसमें आप देखिए जो फर्मी लेवल है ये क्या होता है, इट इज द एनर्जी स्टेट विथ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फिल्ड इफ नो फॉरबिडन बैंड एग्जिस्ट्स, यही मतलब होता है ना। अब हम पढ़ेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, फिगर ए शोज द जीरो बायस वोल्टेज इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ पीएन जंक्शन विच कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ टू डीजनरेट सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। डीजनरेट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि फर्मी लेवल लाइज बोथ इन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, फर्मी लेवल पीएन जंक्शन का दोनों वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के ही अंदर होता है। When a reverse bias voltage is applied to the PN junction, जैसे मान लीजिए this is your PN junction, जब आप यहाँ पे एक reverse voltage लगाते हैं, the height of the barrier is increased, ये तो आपने पढ़ा होगा basic electronics में कि barrier किसकी बात हो रही है, barrier की depletion region की, that part which does not contain any mobile charge carriers, ठीक है, जिसमें immobile ions होते हैं, तो उस barrier की जब height बढ़ती है, इस बैरियर की जब हाइट बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्रॉम फिल्ड स्टेट ऑफ पी रीजन आर टनलिंग थ्रू द डिप्लीशन रीजन टू एम्प्टी स्टेट ऑफ एन रीजन एज शोन इन फिगर बी। देखिए ये है आपका आई, ये है आपका वी और ये पॉइंट ओरिजिन पे है। यहाँ पे अगर आप देखें टनल डायोड अंडर जीरो बायस इक्विलिब्रियम, जहां पे वोल्टेज जीरो है, इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है आपकी आप में कि ड्यू टू हाई डोपिंग फर्स्ट इट कैन ऑपरेट इन रिवर्स बायस रीजन, बट आप ये भी बोल सकते हैं कि जब अनबायस्ड है, जब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉरी इधर लिख देती हूँ, इन अनबायस्ड कंडीशन, अनबायस्ड कंडीशन में क्या है, व्हेन नो वोल्टेज इज अप्लाइड, नो वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द टनल डायोड, तो जो कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप है, कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप ओवरलैप्स विद द वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप। ये देखिए यहाँ पे आप इसको एन कर लीजिए, ये कंडक्शन बैंड था, ये कंडक्शन बैंड है एन टाइप का, ठीक है, इस कंडक्शन बैंड का जो और ये वैलेंस बैंड है, इसका जो फर्मी लेवल है और जो ईएफएन का है अंडर जीरो बायस वोल्टेज, ये कह रहा है कि दोनों का ओवरलैपिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ हैवी डोपिंग। तो एनर्जी लेवल्स जो है, मतलब जब ओवरलैपिंग हो जाती है, तो जो एनर्जी लेवल्स है ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कह सकते हैं कि यही ये जो ई एफ पी है और जो ई एफ एन है,
ठीक है, एनर्जी लेवल्स ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन पी एंड एन साइड रिस्पेक्टली वो इक्वल रहते हैं। देखिए ये इक्वल लेवल पे है ना, EFP और EFN इक्वल लेवल पे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि नो इलेक्ट्रॉन्स विल टनल फ्रॉम, कोई भी इलेक्ट्रॉन की टनलिंग नहीं होगी, नो इलेक्ट्रॉन्स विल टनल, नो इलेक्ट्रॉन्स विल टनल, ओके, फ्रॉम एन टू पी टाइप, ठीक है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रॉन्स टनलिंग करते हैं फ्रॉम एन टाइप ऑफ कंडक्शन बैंड टू पी टाइप ऑफ वैलेंस बैंड रीजन, और फ्रॉम पी टाइप ऑफ वैलेंस रीजन टू एन टाइप ऑफ कंडक्शन बैंड। तो जीरो करंट कब फ्लो करेगी, थ्रू डायोड, यानी कि इस केस में नो टनलिंग करंट, कोई टनलिंग करंट नहीं है अंडर जीरो बायस वोल्टेज। आपको समझ में आ रहा है जीरो बायस वोल्टेज में क्या बोल रहा है कि when there is no battery voltage or no biasing voltage is applied across the tunnel diode, so conduction band of this n-type overlaps with the valence band of p-type, so that the energy levels of both p and n-type are at equal levels respectively, so there is no current will flow, no current will flow, ठीक है, यही लिखा है इसने, ये तो इसने उसका बताया था। अब इसने ये स्मॉल रिवर्स बायस की बात करी। अब आप रिवर्स बायस देखिए, रिवर्स बायस में क्या कहा जा रहा है कि एज द व्हेन अ रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन, जो मैंने आपको बताया, जो हाइट ऑफ बैरियर इंक्रीज होगी, रिवर्स बायस वोल्टेज में क्या होता है ये सबको पता है कि विड्थ जो होती है डिप्लीशन रीजन की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जो पी रीजन के फील्ड स्टेट्स हैं, दे आर टनलिंग थ्रू दी डिप्लीशन रीजन टू एम्प्टी स्टेट ऑफ एन रीजन। अगर आप स्मॉल रिवर्स बायस लगाएंगे तो ये देखिए ये आपका कंडक्शन बैंड है एन रीजन का और ये वैलेंस बैंड है पी रीजन का, तो जो ये फील्ड स्टेट्स हैं, ये क्या है, फील्ड स्टेट्स हैं वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप के, ठीक है, यहां से क्या है इलेक्ट्रॉन्स जो है ये टनलिंग कर रहे हैं, भेद रहे हैं, पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है वैकेंट स्टेट्स हैं, एम्प्टी स्टेट्स हैं। समझ में आ रहा है कब कब का केस है, जब स्मॉल रिवर्स बायस लगा, तो स्मॉल रिवर्स बायस में ग्राफ भी तो ऐसे आता है, ऐसे ये रिवर्स बायस का ही तो होता है जब आप इसमें रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, एज द रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेज, जितना ज्यादा आप रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो मोर टनलिंग इलेक्ट्रॉन आकर, जिसकी वजह से जो करंट होगा इट विल कॉन्स्टिट्यूट इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, देखिए ये है व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज अप्लाइड, जब आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाते हैं तो जो एनर्जी लेवल्स है ऑन एन साइड दे आर रेज्ड रिलेटिव टू दैट ऑफ द पी साइड, मतलब इसका जो एनर्जी लेवल है ये पी साइड से थोड़ा सा बढ़ जाता है, एंड कंसिक्वेंटली जिसकी वजह से द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड ऑन एन साइड, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड, ये क्या कर रहे हैं, they just see the empty state just across the barrier, barrier is the depletion region, is depletion region ke across ye kuch conduction band of n type ke electrons empty states dekhte hain and the tunneling starts taking place. dekhiye is figure mein dekhiye, jab aap forward voltage lagayenge to yahan pe is first quadrant mein aapki current flow karegi, abhi current yahan thi, ab isme aap dekhiye p type ka aur ye n type hai, tunnel diode basically kya hoti hai, pne hai but heavy doping hai, तो इसमें आप देखिए ये EFN ही कर लीजिए, इसको गलत है, ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए, ये कंडक्शन जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं तो एनर्जी लेवल मैंने आपको बताया जो एन टाइप का है इसका एनर्जी लेवल इस पी टाइप से थोड़ा सा बढ़ जाता है, जब इसका एनर्जी लेवल इससे थोड़ा सा उठ जाता है तो यहाँ पे ये वैकेंट स्टेट देखता है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप सी सम एम्प्टी स्टेट्स हेयर इन द वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप, तो यहाँ पे वो घुसने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से करंट इंक्रीज करेगी, तो ये करंट यहाँ आ रही है, ठीक है। नाउ एज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज फर्दर इंक्रीजेस, जब आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को अब इंक्रीज करते हो, अभी तो आपने नॉर्मल वोल्टेज लगाया था, द टनलिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लेसर एंड लेसर, अब जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे, किस वोल्टेज को, फॉरवर्ड वोल्टेज को, दैट मीन्स ये पी है और ये एन है, ये आपका डिप्लीशन विड्थ है, अभी हम इसमें नैरोअर ही बनाएंगे, ये डिप्लीशन विड्थ थी आपका एक बैरियर का काम करता है, इस बैरियर के क्रॉस एक इनबिल्ट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है,
ठीक है, जैसे जैसे आप इस फॉरवर्ड वोल्टेज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, एज सून एज यू आर गोइंग इंक्रीजिंग दी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, तो टनलिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की भेजने की क्षमता है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से ग्राफ जो है करंट का वो नीचे आ जाएगा। देखिए ये आप देखिए, ये जैसे जैसे आपने फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाया तो ये थोड़ा सा ऊपर तो उठा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कम से कम इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जो करंट है वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इंक्रीज्ड फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब इसमें भी आप देखिए, व्हेन मोर फॉरवर्ड बायस इज वोल्टेज इज अप्लाइड, जब आपने फॉरवर्ड बायस को और ज्यादा बढ़ाया तो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू मूव फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एन टू पी में जाएंगे, दैट मीन्स कंडक्शन बैंड ऑफ एन टू वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन में जाएंगे, एंड मेजोरिटी होल्स, एंड जो मेजोरिटी होल्स हैं ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो होल्स हैं ये कहाँ से जाएंगे, वैलेंस बैंड ऑफ पी टू कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप में जाएंगे, तो जिसकी वजह से करंट फिर से इंक्रीज करेगी। दिस फॉर्म्स द फॉरवर्ड बायस करंट ऑफ ए नॉर्मल डायोड, तो ये कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। इस कर्व में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन्स आर टनलिंग, मोर इलेक्ट्रॉन्स टनल, मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर होल्स टनल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये है ना आपका, ये ई एफ एन ही करिए, अब आप इसमें खुद ही देख लीजिए कि जैसे जैसे आपने क्या करा, वोल्ट ये पी और ये एन रीजन का है एनर्जी बैंड डायग्राम, जैसे जैसे आपने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये एन टू पी में ऐसे ऐसे जाते जाएंगे, और ये जो आपका पी है ये ऐसे जाता जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आप इसका ग्राफ देखें, ये पीक करंट है, ये वैली करंट है, वैली करंट इज द मिनिमम करंट एंड पीक करंट इज द मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। यहां से यहां तक आप अगर देखिए तो यहां पे करंट राइज कर रही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, फिर धीरे धीरे जब आपने इस केस में आपने क्या करा था, फॉरवर्ड वोल्टेज जीरो टू वीपी बढ़ाया, फिर आपने क्या किया, फॉरवर्ड वोल्टेज नेगेटिव रेजिस्टेंस कब आया आपका, नेगेटिव रेजिस्टेंस देखिए इसमें इसने बोला जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज आप सेकेंड टाइम इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा जब आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे करंट आपकी फॉल करेगी। ठीक है, यहाँ पे इस वैली वोल्टेज के बाद फिर जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करते रहेंगे तो क्या होगा, करंट फिर इंक्रीज करेगी, क्योंकि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों टनल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ स्टार्ट टू मूव, बोथ मूव फ्रॉम एन टू पी एंड पी टू एन, यही कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप देखिए ये फॉरवर्ड करंट, तो ये ग्राफ इसका याद रखिएगा, इस रीजन को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द टनल डायोड। यहाँ पे इस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में दिस टनल डायोड जो है इट प्रोड्यूसेस पावर इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग इट। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, मोस्ट कमर्शियल टनल डायोड्स आर मेड ऑफ जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड सिंस हाई पीक टू वैली करंट रेशियो, ये जो करंट रेशियो होता है पीक करंट टू वैली करंट रेशियो, ये सिलिकन के साथ हमें नहीं मिल पाता, इसीलिए हम इसमें कंपाउंड सेमीकंडक्टर या जर्मेनियम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट समझाया है, क्योंकि ये मैंने थर्ड सेमेस्टर में बच्चों को उनकी इजी लैंग्वेज में बताया था, नहीं तो ये माइक्रोवेव में अगर पढ़ो तो इसमें बहुत है। मैं आपको इसका थोड़ा सा और बता देती हूँ कि देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता दूंगी, इसमें क्या किया, मोर इंक्रीज फॉरवर्ड बायस। देखिए मोर इंक्रीज फॉरवर्ड बायस में क्या है कि जो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड है वो स्लाइटली मिसअलाइंड हो गए। यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है, बोथ आर स्लाइटली, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड व्हेन द फॉरवर्ड बायस इज इंक्रीज्ड मोर, ये स्लाइटली मिसअलाइंड हो गए, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा इनका जो अलाइनमेंट है वो हट गया है, अलाइंड नहीं है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप है और जो वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप है वो स्टिल क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसीलिए स्मॉल करंट फ्लो करती है, स्मॉल करंट स्टिल फ्लोज, ये फ्लो करेगी एंड जो टनलिंग करंट है वो फिर आपकी घट जाएगी। तो ये कहने का मतलब, ये तो नॉर्मल करंट है, ये जो धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ी ना, अब आप इसमें देखिए, यही मैं आपको बताऊंगी, जब आप और ज्यादा फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे, इसके बाद का केस बता रही हूँ, जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाएंगे तब आपका टनलिंग करंट बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा
और कंडक्शन बैंड्स जो एन टाइप के हैं और जो वैलेंस बैंड पी टाइप के हैं, दे विल नॉट ओवरलैप, वोंट ओवरलैप एनी मोर, याद रखिएगा। इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और डायोड बिहेव्स एज अ ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की तरह वो बिहेव करे, ठीक है। अब इसका एक एडवांटेज देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ ऊपर, क्योंकि वो वहाँ पे नीचे थैंक यू आ गया ना, तो मैं आपको थोड़ा सा एडवांटेज बता देती हूँ, क्योंकि इसकी थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। देखिए, टनल डायोड का जो है लो कॉस्ट होता है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस लो नॉइस, ये लो नॉइस प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसका जो फैब्रिकेशन होता है इट्स वेरी सिंपल। जो फैब्रिकेशन है इसका, इट्स फैब्रिकेशन इज टू सिंपल, क्योंकि कॉस्ट कम है इसकी, तो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है यूज होने में। दिस डायोड गिव्स अ फास्ट रिस्पॉन्स, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है, बहुत जल्दी आउटपुट देता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इट वर्क्स ऑन लो पावर, इट वर्क्स ऑन लो पावर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लो पावर पे काम करता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। डिसएडवांटेज इसका यही है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है डायोड का, वो स्विंग करता है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज जो है आपका, आउटपुट वोल्टेज ऑफ डायोड, इट स्विंग्स, ठीक है। इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, लेकिन जो इसका इनपुट आउटपुट सर्किट्स हैं, दे आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। स्विंग मतलब उछाल बोलेंगे, इधर उधर उधर इधर, बाउंस बैक एंड फोर्थ बोल सकते हैं, फ्लक्चुएशन बोल सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये इट इज यूज एज एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की तरह यूज होता है, एज एन ऑसिलेटर यूज होता है, फॉर डिटेक्टिंग हाई फ्रीक्वेंसी और फॉर डिटेक्टिंग स्मॉल हाई फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं, और एज अ स्विच यूज होता है। ये वाइडली यूज नहीं होता क्योंकि ये लो करंट डिवाइस है, इट इज नॉट वाइडली यूज बिकॉज इट इज अ लो करंट डिवाइस, ठीक है, याद रखिए। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये चैप्टर दोबारा, ये टॉपिक दोबारा पढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन एक बार आप इसको पढ़िए, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, मुझे ये टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, इसलिए मैं टफ टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, ठीक है। मुझे टफ टॉपिक्स पढ़ाने में बहुत मजा आता है। इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक करके आप, कोई आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, कमेंट्स भी अच्छे अच्छे दीजिए, तो मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊंगी, ठीक है। टिल देन, गुड बाय, ओके, थैंक यू।